वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे क्षेत्रफल पर कि क्षेत्रफल के अंदर कौन कौन से सवाल आते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले वगैरह हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के अंदर पहले उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में इस पर आधारित जो सवाल है उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के अंदर जैसे कि अपन जो है क्षेत्रफल पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दो तरीके से तीन तरीके से निकलता है। एक तो होता है एक बटे व दो इंटू आधार ए इंटू ऊंचाई क्या है एच। ठीक है, पहला सूत्र। दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। दूसरा जो सूत्र है वो है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इस जो सूत्र है ना, दूसरा जो सूत्र है इसको अपन बोलते हैं हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। ठीक है, फिर तीसरा जो सूत्र है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर? तो वो होता है अंडर रूट तीन बटेवा चार इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? ए। अंडर रूट तीन बटेवा चार इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है सर। और फिर चौथा जो है अपन इससे संबंधित कुछ परिमाप है उनके सूत्र भी लिख लेंगे, क्योंकि इस क्षेत्रफल ज्ञात करने में कहीं ना कहीं परिमाप के फॉर्मूलों की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो परिमाप जो होता है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। ठीक है, फिर पांचवा जो है वो ये है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों? आधार इंटू ऊंचाई। आपको सभी फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, क्योंकि सारे सवाल ऐसे नहीं होते जिनके अंदर ट्रिक लग जाती है। ट्रिक कौन कौन से सवालों में लगती है अधिकतर, कि भाई किसी संख्या के प्रतिशत में इतना जोड़ दे इतना घटा दे तो उसका जोड़ घटा और हानि या लाभ कितना होगा। ठीक है, फिर या फिर किसी की संख्या का 2% दे रखा है और उनके बीच का टोटल मिश्रण दे रखा हो तो मिश्रण के आधार पर उन दोनों को कितने अनुपात में मिलाया जाए कि उनका मिश्रण ये आ जाए, ऐसे सवालों में ट्रिक लगते हैं। ठीक है ना, जो आयत का क्षेत्रफल है मतलब है उसके अंदर तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, है ना। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तभी अपन कुछ आगे बात कर पाएंगे। छठा जो फॉर्मूला है वो ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटे व दो इंटू समांतर भुजा योग इंटू उनके बीच की दूरी, मध्य की दूरी। ये क्या होता है? एक बटे व दो इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। मध्य की जो दूरी होते हैं उसको अपन जो है क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में जो है अगले जो सूत्र हैं, अभी हुए हमारे छह सूत्र हैं, है ना। सातवां जो सूत्र है वो ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल, सातवां वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या होता है सर? आपने पढ़ाई है पहले पाई, पाई आर स्क्वायर। फिर आठवां जो है वृत्त की क्या होती है? परिधि, वृत्त की परिधि। सर अपन ने टॉपिक तो क्या डाला? क्षेत्रफल, और फॉर्मूले परिमाप के भी लिख रहे हैं क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं क्षेत्रफल निकालने में जरूरत पड़ेगी इनकी,
क्षेत्रफल दे रखा हो तो परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि दे रखी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इनकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। तो अपन सारे फॉर्मूले इसमें लिख रहे हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है ना, तो वो होती है 2πr और नवा अर्ध वृत्त की परिधि, परिधि को परिमाप भी बोल सकते हो आप, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस टू आर ये होती है। फिर आगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखा कभी, त्रिज्यखंड देखा, ये जो अपना पिज्जा होता है ना पिज्जा उस टाइप का एक पार्ट जो है वो क्या हो सकता है इसका त्रिज्यखंड होता है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे व 360 डिग्री ये होता है, क्लियर। फिर आगे ग्यारहवा जो है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा है लंबाई ले इनटू चौड़ाई, ठीक है। फिर बारहवा आयत के परिमाप की भी जरूरत पड़ेगी, तो आयत का परिमाप ये भी आपने पढ़ा होगा 2 इंटू कोष्टक के अंदर लंबाई L चौड़ाई B पढ़ रखे है ना सभी आपने। फिर आगे एक वर्ग भी होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2 या फिर भुजा इंटू भुजा, भुजा को अपन A मान सकते हैं। फिर चौदहवा जो सूत्र है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप वो क्या होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। ये सूत्र आपको याद करने हैं अच्छे से और इस पर आधारित जो सवाल होंगे उन पर अपन चर्चा करेंगे, पर पहले फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप सोचने में रह जाओगे कि ये सूत्र कहां से आया ये कहां से आया, तो पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अगला जो सूत्र है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है दोस्तों पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का मतलब वृत्त का कोई एक टुकड़ा उसका क्षेत्रफल, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं सोलवा जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे वा 4। फिर सत्रवा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या आता है सर पाई आर स्क्वायर बटे वा 2 आता है, ठीक है। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, क्लियर दोस्तों। तो ये जो है हमारे क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्र हैं जिन पर अपन चर्चा करेंगे और फिर अगली जो क्लास होगी उसके अंदर जो है अपन क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो अगली जो भी क्लासें आएंगी वो अच्छे से समझ में आएगी और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ो आपको जो है वो मैटर समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चाहे कितना ही लेवल हो कम लेवल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझने जो है जो टॉपिक समझने हैं उनका जो डाउट है वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए और जो टॉपिक है उसका जो मैटर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बस ये चीज अपने माइंड में बिठानी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।